तो क्या हाल है गाइस, मेरा नाम है शिवम और आज की वीडियो है मी रिचार्जेबल एलईडी लैंप के बारे में। तो सिवाय स्मार्टफोन बनाने के और ईयरफोन्स स्पीकर बनाने के सिवा Xiaomi काफी सारे साइड प्रोजेक्ट्स के साथ आता रहता है टाइम टू टाइम। तो इस बार एक नई आइटम लेके आए हैं यहाँ पर, जो कि है ये डेस्क लैंप। तो पहले ये क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट था, पर अब ये सक्सेसफुल हो गया, तो उसके बाद इन्होंने ये हर जगह अवेलेबल है, आप ले सकते हैं इसे। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं अगर आप ये देखना चाहते हैं। पर लैंप के बारे में थोड़ी देर बाद में बात करते हैं, उससे पहले एक बार इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के कंटेंट क्या क्या है। तो ये रहा शिपिंग पैकेट और इसके अंदर है हमारा मी लैंप। तो जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं और रिटेल बॉक्स बाहर निकाल लेते हैं। तो ये रहा रिटेल बॉक्स और यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं कि ये लैंप कुछ ऐसा सा दिखना चाहिए इस इमेज से, और यहाँ नीचे लिखा है कि मी रिचार्जेबल एलईडी लैंप। यहाँ पर कुछ इसके फीचर्स भी दिए हैं, जैसे कि 3 कलर टेम्परेचर्स और अप टू 5 डेज ऑफ बैटरी लाइफ। अब आगे चल के यहाँ पर कुछ और फीचर्स दिए हैं, जैसे कि प्लग एंड प्ले, नो स्ट्रोब इफेक्ट, पोर्टेबल एंड एडजस्टेबल, और वही फीचर जो भी हमने पढ़े थे थोड़ी देर पहले वो भी दिए गए हैं यहाँ पर। अब इस बॉक्स के पीछे कुछ डिटेल्स दी हुई हैं इसके बारे में, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बाद में वीडियो में चल के बात करेंगे। पर पहले हम अपना लैंप बाहर निकाल लेते हैं बॉक्स से और देखते हैं कैसा सा दिखता है। तो सबसे पहले बॉक्स खोलते हैं, यहाँ पर हमारे को मिलती है एक माइक्रो यूएसबी केबल, जो कि बहुत बढ़िया बात है कि इन्होंने बीच में इंक्लूड कर रखी है, और काफ़ी ज़्यादा लंबी केबल है तो काफ़ी आसानी रहेगी अगर आप इसे दूर प्लग कर रहे हैं, थोड़ी सॉकेट काफ़ी दूर है तो। पर उसके सिवा ये रहा लैंप और यहाँ पर कुछ यूज़र मैनुअल भी हैं जिसकी शायद हमें ज़रूरत ना पड़े। तो ये रहा एलईडी लैंप और कहना पड़ेगा कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा छोटा सा लैंप है दिखने में। पर यहाँ पर बॉटम में इसके एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया जिससे आप इसे ऑन कर सकते हैं और चार्ज कर सकते हैं, और एक बटन भी दिया हुआ है फ्रंट में जिससे आप पावर ऑन कर सकते हैं लैंप को, और साथ में कलर टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे को 3 कलर टेम्परेचर मिलते हैं जिसको आप स्विच कर सकते हैं इस बटन से। पर ये थी अनबॉक्सिंग इस रिचार्जेबल एलईडी लैंप की। पर अब चल के बात करते हैं इसके बारे में और डिटेल में। हालांकि यहाँ पर बहुत कुछ तो नहीं है बताने, क्योंकि एक छोटा सा सिंपल सा लैंप है, पर जो भी है बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। तो मैं कहूँगा ये बहुत ही ज़्यादा छोटा सा प्यारा सा क्यूट लुकिंग लैंप है डिज़ाइन वाइज। और यहाँ पर ये दो मटेरियल्स इसके अंदर यूज़ हुए हैं, जो कि एक एल्यूमिनियम अलॉय है जो इसका स्टैंड है बीच में, और जो बेस और अपर पार्ट है वो प्लास्टिक में है, पर ये काफ़ी ज़्यादा मैट वाइट कलर में है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्रीमियम फील होता है। उसके सिवा इसकी डायमेंशन की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 1 फीट से थोड़ा सा बड़ा है, और इसका वेट भी 420 ग्राम्स है, जो कि थोड़ा लाइट है एक लैंप के लिए, और ऐसे लगता है कि जैसे टॉपल कर जाएगा, मतलब ऐसे गिर जाएगा। पर अगर आप इसको थोड़े रीच से दूर रखें, टेबल के कोने पे रखें, तो ये दिक्कत नहीं आएगी। पर इसके सिवा यहाँ पर कोई केबल्स नहीं है इसके अंदर, हालांकि बस एक छोटी सी फ्लैट केबल आपको देखने को मिलती है, छोटी सी जो ऊपर निकली हुई है, पर ये बहुत ही ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है इसके अंदर। और जैसा कि मैंने कहा कि इसके नीचे एक बटन दिया हुआ है जिससे आप इसे पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसके कलर टेम्परेचर स्विच कर सकते हैं, जिसके अंदर ये 3 कलर टेम्परेचर हैं, जो कि 2600 केल्विन, 3200 केल्विन और 4500 केल्विन। तो अगर आपको एक कलर टेम्परेचर और केल्विन ये चीज़ समझ नहीं आती, तो इसके लिए मैं यहाँ इमेज एक लगा देता हूँ जिससे आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी इस इमेज से कि क्या मतलब होता है कलर टेम्परेचर का। और जैसा कि ये कलर टेम्परेचर है 2600, ये मिनिमम इंटेंसिटी है, और सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी वाला इसके अंदर 4500 केल्विन है। तो जैसे भी आपकी नीड हो, आप उस हिसाब से इस कलर टेम्परेचर को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जब आपको पढ़ना हो या कुछ करना हो तो उसके लिए आप 4500 केल्विन कर सकते हैं जैसे बुक पढ़ रहे हो, और अगर आपको वैसी सिर्फ एम्बियंट लाइटिंग के लिए चाहिए तब आप इसको 2600 केल्विन पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सटल सी लाइट आती है उससे। पर जैसे भी आपकी नीड हो उस हिसाब से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। पर जैसा कि इसके अंदर माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया है तो इससे आप लैंप को ऑन कर सकते हैं, पर आप इस माइक्रो यूएसबी पोर्ट से इसको चार्ज भी कर सकते हैं, जिसका मतलब है इसके अंदर एक रिचार्जेबल बैटरी भी है जो कि आप बिना वायर के यूज़ कर सकते हैं आसानी से इस लैंप को। इसके अंदर 2000 mAh की एक बैटरी दी हुई है, जो कि एक बार चार्ज होने पर आपको अप टू 40 आवर्स ऑफ बैटरी बैकअप दे सकती है मिनिमम इंटेंसिटी पे, और मैक्सिमम इंटेंसिटी पे अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा ऑलमोस्ट 5 आवर्स ऑफ बैटरी बैकअप। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और आपका बैटरी बैकअप उस हिसाब से वेरी करेगा। पर यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं रह गया बताने को इस लैंप के बारे में, सिर्फ इसका प्राइस के बारे में रह गया, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले तो ये प्रोजेक्ट क्राउड
फंडिंग में था जिस जहाँ से मैंने पार्टिसिपेट करके ये लिया है, तो उस टाइम पर मेरे को ये अराउंड पड़ा था 1299 रुपीज़ का, पर अब ये अवेलेबल है, आप कहीं पे से भी ले सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक पोस्ट किया है तो आप चेक कर सकते हैं वहाँ से। पर उसके लिए अगर आप अब इसे लेना चाहते हैं तो आपको पे करने पड़ेंगे 1599 रुपीज़। पर प्राइस वाइज ये बहुत ही ज़्यादा चीप है अगर मैं कहूँगा, क्योंकि अगर आप लैंप वगैरह मार्केट में देखने जाते हैं या फिर अमेज़ोन पे भी देख सकते हैं कि बहुत सारे लैंप, तो ये बहुत ही बिगिनिंग प्राइस है, बहुत ही बजट रेंज है, क्योंकि लैंप्स वगैरह जब खर्चा करने पे होता तो मुकता ही नहीं मतलब, तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा बजट लैंप है। और अगर आपको ऐसे एस्थेटिक वाइज या फिर कोई भी या फिर ऐसे आप कोई भी छोटा सा लैंप देख रहे हैं तो ये उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। पर ये थी आज की वीडियो मी रिचार्जेबल LED लैंप के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आई, और अगर आई तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए वीडियो को, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलूँगा जल्द ही अगली वीडियो में।